हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच पी एग्जाम में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एच एस ट्वेंटी ट्वेंटी के एप्टीट्यूड टेस्ट का यानी कि पेपर टू के बारे में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे ये इस पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट रहेगा पार्ट सेकंड में हम इस टेस्ट को बुकलेट को कंप्लीट करेंगे तो पहले हम पार्ट वन में इंग्लिश के और कुछ और क्वेश्चंस हैं वो अब स्टडी करेंगे उनको डिस्कस करेंगे उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट टू रहेगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप लोग लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को क्योंकि इसका भी कोई खर्चा नहीं है हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी कि जो हम हमने काम किया वो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पता कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने हो रहे हैं गलत क्या आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर रहे हैं या नहीं चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पर है एक पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट थ्री से एट तक है पैसेज दिया है और इस पैसेज के क्वेश्चन लिखे हैं नीचे उनको हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस क्वेश्चन के मैन डिजाय फोर्टी थ्री है क्वेश्चन मैन डिज़ायर्स हिज लाइफ टू बी फुल ऑफ इस पैसेज के बेस के ऊपर आपने आंसर देने थे तो इसका आंसर होगा पीस एंड कंटेंटमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर था मैन फियर्स इन ऑल हिज लाइफ और इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा सोरव मिस फॉर्चून कैमिटीज ऑल ऑफ दीज ये आंसर सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वैन डज द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ मैन कम टू फोर और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड मिस फॉर्च्यून नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द करेक्ट सिनॉनिम ऑफ वर्ड कंटेपलेटिव इज और सही आंसर इसका रहेगा थाटफुल नेक्स्ट क्वेश्चन कुंती आस्ट कृष्णा फॉर ए लाइफ ऑफ एडवर्सिटी बिकॉज और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट वुड हेल्प हर फोकस ऑन गॉड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी एट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज कैन बी अब टाइटल का जो रहेगा वो तो देखिए आंसर की के ऊपर ही डिपेंड करता है और मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो सकती है बट इसका जो सही आंसर होगा वो डिपेंड करता है आंसर की के ऊपर ही तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन फोर्टी नाइन फिफ्टी अप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड सगेसियस डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम इन कैरियर हैज लॉन्ग इफेक्ट्स इसका आपने सेगेसियस का एंटोनिम ढूंढना है इस क्वेश्चन में और एंटोनिम क्या होगा इसका इस क्वेश्चन का एंटोनिम होगा फुलिश नेक्स्ट क्वेश्चन अपोजिशन इज कल्पेबल फॉर द रिसेंट इंसिडेंट्स और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा इम्यून नेक्स्ट क्वेश्चन इज फो फिफ्टी वन फिफ्टी टू हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन वन मस्ट टेक प्राइड इन सर्विंग वन कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंज अमंग द्वाइज नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी थ्री Find one word equivalent for the following sentence. One who has no money. Answer is pauper. Next question, question number 54 and 5. Fill in the blanks by choosing the correct connector given below. Or is question? Uh, question the teacher asked a jolly question after question. Uh, das, das he did not open his mouth. Still, he did not open his mouth mouth next question john tried his best dash dash couldn't succeed however he couldn't succeed next question question number 56 the speech of prime minister was full of thirst and trust next question question number 57 there was uh, dash dash in the meeting of the team management or his question because the answer make much cry and little wool नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉट द दायर इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ओल्ड ऑलवेज वाइजर देन द यंग और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन टू फिफ्टी सिक्सटी थ्री फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन का ऑप्शन सही आंसर आएगा ऑप्शन ए फिफ्टी सिक्सटी का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए सिक्स वन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिक्सटी टू का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी और सिक्सटी थ्री का सही आंसर रहेगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का राइट ऑप्शन रहेगी ऑप्शन सिक्सटी वन का ऑप्शन बी सिक्सटी सॉरी सिक्सटी फोर का ऑप्शन बी सिक्सटी फाइव का ऑप्शन डी नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स का ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्राउड का इस पैसेज में उल्टा क्या रहेगा हम्बल नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी नाइन यह नई पत्रिका समाचारों की व्यापक कवरेज के लिए जानी जाती है इसका अपने एंटोनिम लिखना है तो एंटोनिम क्या होगा इसका एंटोनिम होगा इसका कंप्रहेंसिव का होगा सुप्रोफिशियल नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, his knowledge of the subject is quite extensive और extensive का उल्टा क्या होगा लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन और सेवनटी टू सेवनटी वन इनमें क्वेश्चन क्या है रिक्त स्थान भरने के लिए शब्दों सब में सबसे प्रभावी शब्द चुनना है आपने और इस क्वेश्चन में राम इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि उन्हें अस्पताल में गहन चिक देखभाल की आवश्यकता थी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देशवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए संबंधित प्रयास आ, को संबंधितों के प्रयास डैश प्रयासों की आवश्यकता है लगातार प्रयासों की आवश्यकता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी थ्री किसी एक निश्चित वर्ष में पच्चीस मई को रविवार है तो उस वर्ष में पच्चीस दिसंबर को हफ्ते का कौन सा दिन होगा हफ्ते का होगा थर्सडे नेक्स्ट क्वेश्चन पच्चीस अंग्रेजी वर्णमाला नीचे सूचीबद्ध किए हैं यदि सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में अरेंज किया जाए तो कौन सा अक्षर अपनी स्थिति नहीं बदलेगा और इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फाइव कृष्णा अपने घर के एक किलोमीटर पूर्व में फिर एक किलोमीटर उत्तर में फिर दो किलोमीटर पूर्व में फिर तीन किलोमीटर दक्षिण में और तीन किलोमीटर पश्चिम में चलता है अपने घर तक पहुँचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी दो किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन सी द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सात सौ अठतीस चार सौ उनतीस एक सौ छप्पन दो सौ तिहत्तर आठ सौ चौरानवे क्वेश्चन है आगे। प्रत्येक संख्या में बाई ओर से पहला अंक उसके अगले उच्चतम अंक के साथ आपस में स्थान बदलता है निम्नलिखित में से कौन शीर्ष क्रम से तीसरे नंबर का दूसरा अंक होगा जब वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित होंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका प्रत्येक संख्या में पहले और आखिरी अंकों के स्थान उल्ट जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी उच्चतम संख्या का अंतिम अंक होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से कौन से दो संकेतों को आपस में बदलना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ए का तात्पर्य प्लस है बी का तात्पर्य माइनस है सी का तात्पर्य गुणा है और डी का तात्पर्य भाग है तो सही समीकरण बनाने के लिए आंकड़ों के बीच उचित अक्षर डालें और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन एक घड़ी शाम साढ़े चार बजे पढ़ पड़ती है यदि मिनट हाथ पश्चिम की ओर इंगित करता है तो घंटे का हाथ किस ओर इंगित करेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा साउथ वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ए का पिता बी है सी बी का पिता है डी ए की माता है तो सी और डी कैसे संबंधित हैं ससुर नेक्स्ट क्वेश्चन पी क्यू आर एस टी पांच वक्ता हैं जिन्हें किसी विशेष दिन पर बोलना होता है जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बोलें ना आर ना तो पहला होगा ना ही अंतिम वक्ता होगा एस के बाद तीन वक्ता होंगे टी से पहले तीन वक्ता होंगे यदि पी क्यू के बाद बोलता है तो बोलने वाला अंतिम वक्ता कौन होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अंतिम वक्ता होगा पी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री एक निश्चित कोड भाषा में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विषम स्थान वाले प्रत्येक अक्षर को दो का कोड दें और प्रत्येक शेष प्रत्येक अक्षर को एक का कोड दें तो सॉल्वेशन शब्द के लिए कोड क्या होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी फोर फोर टू एट्टी सिक्स क्यू आर एस टी और यू छः डाकघर हैं जिनमें से प्रत्येक में ए बी सी डी ई एफ में एक डाकिया काम करता है कोई भी डाकिया दो डाकघरों में काम नहीं करता है ए ना तो पोस्ट ऑफिस A में और ऑफिस पी में और ना ही एस में काम करता है जबकि बी ना तो पोस्ट ऑफिस टी और ना ही यू में काम करता है सी ना तो पोस्ट ऑफिस क्यू और में काम करता है ना ही आर में लेकिन डी टी में काम करता है ए क्यू में काम करता है अब आपने क्वेश्चन बताने हैं ये यदि सी और ई एस सी और ई एस यू में काम करते हैं तो निश्चित रूप में से कौन सा गलत होगा तो अगर सी यू में काम करता है तो सॉरी सी एस में काम करता है तो कन्फर्म है कि एक डाकिया एक ही ऑफिस में काम करता है तो सी क्यू में काम नहीं करेगा तो ये गलत होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास यहाँ पर सामने ऑफिस यू में कौन काम कर सकता है ऑफिस यू में काम करता है सी ई e, या फिर एफ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स के एल एम एन ओ पी एक बगीचे में छः पेड़ हैं ना एम सबसे और ना एन सबसे लंबा पेड़ है पेड़ एल पी से लंबा है लेकिन के पेड़ से छोटा है पेड़ ओ पेड़ पी जितना लंबा है लेकिन एम से लंबा है निम्न में से कौन सा सब पेड़ सबसे लंबा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी के पेड़ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन एटी सेवन से नाइन्टी वन तक कुछ आपके पास दे रखे हैं नेक्स्ट और इसका क्वेश्चन हैं uh, नंबर वन डबल सेवन एट फोर फाइव नाइन ये क्या है ये कौशी संख्या है ये सुपीरियर संख्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर डबल फाइव फोर टाइम सिक्स इस कैसी संख्या है ये एक म्यूचुअल संख्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सुपे अगला क्वेश्चन है फोर थ्री सिक्स एट फाइव सेवन नाइन ये कैसी संख्या है ये एक सुपीरियर संख्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थ्री सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन ये कैसी संख्या है ये भी कैसी संख्या कुछ सुपीरियर संख्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर नाइन फाइव वन सेवन फाइव थ्री वन ये कैसी संख्या है ये एक क्लासिक संख्या है तो फ्रेंड्स uh, आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगले पार्ट टू में हम इस बुकलेट को पूरी सॉल्व करके लाएंगे तो तब तक आप इंतज़ार करिए और हाँ चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएँ अगली वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने पूरे एग्जाम को प्रॉपरली चेक कर सकें तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा